बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। पिछले एक हफ्ते से हमारी टीम यहाँ पर कहीं कैंप कर रही है और लगातार हमारी टीम काम कर रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसमें अगला स्टेप सुपरविजन होता है, तो उसी के लिए सुपरविजन के लिए एक सीनियर ऑफिसर को आना होता है, तो उसी क्रम में मुझे यहाँ भेजा गया है ताकि मैं अपनी टीम के साथ मीटिंग करूं और आगे की डायरेक्शन जो है इन्वेस्टिगेशन की वो हम लोग तय करें। शुड योर अराइवल बी लुक्ड इनटू द लाइट दैट यू आर प्लानिंग, शुड योर अराइवल बी लुक्ड इनटू द लाइट दैट यू आर प्लानिंग ऑन अरेस्टिंग राज चक्रवर्ती फाइनली? नॉट एट ऑल, इन्वेस्टिगेशन हैज इट्स ओन फेसेट्स। इन्वेस्टिगेशन का अपना एक तरीका होता है, उसकी अपनी प्रक्रिया होती है। हम लोग इस बात से सहमत हैं कि हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट है, कई जो अभी तक नहीं दी गई है बिहार पुलिस को, क्या उसको माना जाए कि वो एक लैप्स है, हो रहा है आप लोगों के लिए, जिसको आपको फिलअप करना है, आपकी जिम्मेदारी है? केस में जितने भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, तथ्य हैं, एविडेंसेज हैं, वही हम लोग पाने के लिए यहाँ पर हमारी टीम भी आई हुई है और हम भी उसी लिए आए हुए हैं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे केस से संबंधित सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हम लोग को मिले। अभी तक उनसे क्या संपर्क करने की कोशिश की गई? मजबूरी संपर्क नहीं हो पाया, क्या है उनका स्टेटस, क्या है उनका बयान, कब तक? क्योंकि FIR रजिस्टर हो गई और इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से आगे बढ़ता है, तो इन्वेस्टिगेशन में कभी इस बात का जवाब नहीं दिया सकता कि यह क्यों नहीं किया गया या क्यों किया। रिया चक्रवर्ती के बारे में बार-बार कहा जा रहा है कि वो ट्रेसेबल नहीं है, क्या मुंबई बिहार पुलिस, क्या बिहार पुलिस उसको ट्रेस कर पा रही है, नहीं कर पा रही, स्टेटस क्या है रिया चक्रवर्ती? जब हमें जरूरत होगी बयान लेने की, ट्रेस करने की, तो हम लोग नहीं सर अभी तक ट्रेस कर पाए, अभी हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहे हैं। हमें जिन जिन लोगों के बयान लेने की जरूरत है वो पिछले एक हफ्ते हमारी टीम यहाँ पर है और लगातार हम लोग संपर्क में सर, ये काला जाल, हम लोगों ने सभी महत्वपूर्ण लोगों के बयान लिए गए हैं और आगे भी जिनकी जरूरत पड़ेगी उनका भी बयान लेंगे। सर ये काला जादू की बात आ रही है, स्टेटमेंट सुशांत के जिसमें पंडित पुजारी को पैसे दिए गए हैं, पूजा के सामान खरीदे गए, ऐसी उनके परिवार का लोगों का कहना भी है कि काला जादू और भूत प्रेत की, तो उसको उस एंगल से जाँच कर रहे हैं? चूंकि इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट आएंगे हम लोग उस हर फैक्ट के हर पहलू पर जाँच करेंगे, लेकिन ये कहना कि इन्वेस्टिगेशन में कि स्टेटमेंट में क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया, ये इन्वेस्टिगेशन की अपनी एक नैतिकता होती और पवित्रता होती है, ये कहना ना आपके हित में होगा ना मेरे हित में होगा ना इस समाज के ना ही राष्ट्र के हित में होगा। इन द वे दैट बिहार पुलिस इज नाउ इंटेंसिफाइंग इट्स इन्वेस्टिगेशन इन मुंबई, वी ऑलवेज डू इंटेंसिफाई एवरी केस, दिस इज नथिंग लाइक दैट, इज ऑब्वियसली गोइंग टू यू नो टेक थिंग्स अ नॉच हायर, राइट? जब भी हम लोगों को केस में इन्वेस्टिगेशन जरूरत होती है तो सीनियर ऑफिसर हमेशा जाते हैं, अक्रॉस द कंट्री घूमते हैं, कंट्री के बाहर जाना था तो भी जाते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन की अपनी जरूरत होती है उसको पूरा करने के लिए हम लोग आते हैं। सर 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 चक्रवर्ती के हुआ है तो उनसे अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की गई, सबसे पहला सवाल यही होता है। मैंने अभी आपको क्लियर किया था इन्वेस्टिगेशन में क्या किया गया क्या नहीं किया गया, ये कोई स्पष्ट नहीं होता। महत्वपूर्ण सवाल, मुंबई पुलिस ने 40 लोगों के बयान दर्ज किए, कई सारे बड़े लोग बड़े नाम शामिल हैं, महेश भट्ट से लेकर बाकी तमाम, क्या इन लोगों से भी आप लोग बयान दर्ज करेंगे, इनका इनसे पूछताछ करेंगे? कि मुंबई पुलिस की जो वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन थी वो अलग थी, आपकी अलग चल रही है, इनसे होगी? उनका अपना तरीका है, हम लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं और हम लोगों ने अभी तक जो हम लोगों को महत्वपूर्ण लगा कि इतने लोगों के बयान जरूरी हैं, उन लोगों के स्टेटमेंट हम लोगों ने लिए हैं, उस स्टेटमेंट को एनालिसिस करेंगे टीम के साथ बैठ के, फिर उसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट आएंगे फिर हमें फर्दर किस डायरेक्शन में जाना है, किसके बयान लेने हैं, किसका एविडेंस लेना है, कौन सा एविडेंस कलेक्ट करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है, इसी पर बात करने के लिए टीम से, तो हमारे सीनियर ऑफिसर से डायरेक्शन लेने के लिए, फिर अपनी टीम को गाइड करने के लिए ही हम लोग अभी तक नहीं मिले हैं। ये बात सही है, ये पब्लिक फैक्ट है कि अभी तक हम लोग एक्सेस नहीं मिला है और हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि एक्सेस मिले। सर मुंबई पुलिस का कहना है, आप लोगों की टीम जो है सुनने में आया है कि मैंने अभी बताया, स्पष्ट किया कि जो भी नया फैक्ट आएंगे, अगर वो नया फैक्ट यह भी होता है कि पुराने किसी केस से भी संबंधित मामला है, तो उस केस से संबंधित फैक्ट की एविडेंस की भी जांच की जाएगी, क्योंकि अगर किसी भी केस में यह होता है कि पिछले केस से रिलेटेड है और जब तक वह स्पष्ट नहीं हुआ तब तक यह स्पष्ट नहीं हो सकता है, तो इसकी स्पष्टता के लिए और केसेस को भी। सर एक महत्वपूर्ण सवाल सर, कि दिशा के मामले में आपकी पुलिस कल गई थी मालवानी पुलिस स्टेशन, वो फाइल कॉपी चाहती थी, डिटेल चाहती थी, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि वो जो फाइल थी वो गलती से वो डिलीट हो गई है, क्या ऐसी बातें आपके संज्ञान में है? ये सब चूंकि अफवाहें भी तरह तरह की चलती रहती है, तो इन सब अफवाहों पर कमेंट करना मेरी तरह से उचित नहीं होगा। सर हैज योर टीम सक्सेसफुली और हैज योर टीम एबल इज द टीम एबल टू एस्टैब्लिश कांटेक्ट विद दिशाज फैमिली, पेरेंट्स, फियांसे, एनीवन? हम लोग सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी संतुष्ट हैं और वहां से हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा और हम लोग डायरेक्शन में जिस भी हम लोगों को कांटेक्ट करने की जिससे भी जरूरत पड़ेगी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में सबसे कांटेक्ट